नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है अंबाला में कुछ लोगों की ओर से शपथ ली गई है कि भारत को हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस शपथ में अंबाला से बीजेपी के विधायक असीम गोयल भी मौजूद थे। ये लोग शपथ के दौरान बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए जरूरत पड़ी तो बलिदान देंगे और लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। आपको पूरा सुनाते हैं पहले, फिर इस पर बात करते हैं। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़े तो हम बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ी तो लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इस संकल्प के लिए सुना आपने। बीजेपी के विधायक असीम गोयल भी मंच पर मौजूद हैं और हाथ आगे कर ये शपथ ले रहे हैं। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है, तो क्या ये लोग संविधान से भी बड़े हो गए? जिन वीर बहादुरों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, वो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हैं सब भाई भाई का नारा लगाते थे। इस देश की खूबसूरती है कि यहां हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनको कोई यह भी समझाने वाला हो कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं है, तो फिर कैसे यह शपथ ली जा रही है? और बड़ी बात यह कि सत्ताधारी पार्टी के मौजूदा विधायक वहां शामिल हैं, जिनकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी। अब कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो कर दो, कब करोगे? वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब राजनीति है, भाईचारे को खराब करने की प्लानिंग है। वैसे सवाल ये भी है कि असीम गोयल जिस पार्टी से हैं, क्या वो पार्टी भी इत्तेफाक रखती है इस शपथ से? खैर, आपने ये वीडियो देखा, पूरा मसला आपने देखा। अब आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि आपका क्या कुछ कहना है। ये जो लोग इकट्ठे होकर शपथ ले रहे हैं और मंच पर सत्ताधारी पार्टी के मौजूदा विधायक भी मौजूद हैं, आप अपनी राय दीजिएगा इस शपथ को लेकर, आपका क्या कुछ कहना है। और वहीं इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना है, ताकि जो हमारा अगला मसला, अगली वीडियो होगी, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।